सीढ़ियों से गिर गई थी तो पाँव में चोट लगी हुई है। यहाँ पे दोस्तों सूजन आ रखी है पूरी। इस बार दोस्तों जो ट्रिप है वो चार धाम यात्रा की होने वाली है। इस बार बुलावा आया है तो मैं बता रही आफाते। चलो कोई नहीं, दवाई तो ला रखी दादी को देखने के लिए। चाचा जी और जी आजा। घर से भाई का फोन आया, उनके लिए फोन लेके जाना है। सोवन भाई के पास था। जो ट्रिप है ना वो इस गाड़ी पे होने वाली है, कल से अपनी ट्रिप शुरू हो जाएगी। चलिए भाई दोस्तों, सबसे पहले आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम, कैसे आप सभी के हाल? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है मेरे गांव के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। मेरे गांव का नाम है अलेथ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और काफी दिनों बाद अपने गाँव के इन खूबसूरत नज़ारों को देख के बिल्कुल सुकून सा मिल रहा है। कल तक दोस्तों छोटी बहन अर्चना वीडियो बना रही थी और कल शाम को मैं घर आ गया था। अर्चना लोग खेत में गए थे जिस वजह से लेट में आए और वीडियो नहीं बना पाए, और अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी आपके छोटे भाई के द्वारा। बाकी सुबह सुबह गांव का माहौल देखो, बिल्कुल शांत सा दिखाई दे रहा है। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है और ठीक सामने वाली धार पे धूप भी नीचे की ओर बढ़ रही है। अब दोस्तों जैसे जैसे अक्टूबर का महीना बीतता जा रहा है वैसे वैसे पहाड़ों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। जब तक गांव में धूप नहीं आई तब तक गांव में बिल्कुल ठंडा माहौल बना हुआ है। घर के पास में ही गौशाला की बात की जाए तो यहाँ पे गोरा देवी मस्त करके घास खा रही है। हेलो, जय हो गोरा मैया। चलो ठीक है ठीक है, हाय। हाँ, इसको भी अब आदत पड़ गई भाई कैमरे की। ठीक पीछे की बात करें तो यहाँ पे गोरी देवी मांस करके जो ग्यारह भी लगा रही और घास भी खा रही। चल खा तब खा, बढ़िया बढ़िया। और घर के आसपास जो कुछ टाइम पहले हरा भरा और भरा भरा माहौल था ना, वो भी अब खाली सा होने लग गया है। यहाँ पे जो राजमा बोई थी उनसे राजमा भी निकाल दी है और राजमा सुखाने डाली हुई है। खेत देखो बिल्कुल खाली हो गए हैं। जी अब एक बार किचन की ओर चलते हैं और यहाँ पर अरे भाई साहब, यहाँ पे देखो भाई किचन डिपार्टमेंट का काम भाई ने संभाला हुआ है। दरअसल माँ अभी गौशाला में गई हुई है तो भाई का काम है बिल्कुल किचन में खाना खाना बनाने का। यहाँ पे कद्दू की सब्जी बनाने की तैयारी चल रही है, साथ में आटा निकाला हुआ है और यहाँ पे चूल्हे में कढ़ाई लगाई हुई है। बाकी आज भाई के हाथों का टेस्ट चेक करेंगे। चलो बनाओ बनाओ, नीचे जहाँ थे वहाँ भी कुक थे बोला। चलो देखते हैं आज कुक के हाथ का स्वाद लेते हैं। भाई बनाओ तब हैं। ठीक है ठीक है, अब सबको वीडियो में निकालना पड़ेगा भाई, आदत बनानी पड़ेगी सबकी। यहाँ पे देखो काफी दिनों बाद छोटी भुली रुचि दिखाई दी। हेलो रुचि, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई है? अब दिन का स्कूल लग गया है और आजकल पेपर चल रहे बोला। आज किस चीज का पेपर है? इंग्लिश। इंग्लिश मेरे साथ मत लगाना, कुछ इंग्लिश है मुझे नहीं आती है। पता चला कुछ इंग्लिश में ऐसा बोल दिया मेरे समझ से बाहर। चल ठीक है ठीक है। बाकी ये रही अर्चना भुली, कैसे हो दोस्तों? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी दोस्तों। चलो भाई, अर्चना ने भी खूब सहयोग किया भाई वीडियो में और काफी अच्छे से चैनल को सजाए रखा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं, होता है। अब इसका फल भी इसको एक दिन जरूर मिलेंगे, कुछ एक दिन तड़कता भड़क मिलेगा मिलेगा, तो इसको भी एक गिफ्ट दिया जाएगा टाइम आने पे। इनकी तैयारी हो गई है दरअसल खेत में जाने की। चारों ओर देखो प्यारी सी धूप खिल गई है, इसीलिए जो छत पे राजमा रखी थी इसको मैंने सुखाने डाल दी है। और ये देखो, ये है भाई हमारी इस साल की राजमा, काफ़ी कम हो रखी है। अब इनको दो तीन दिनों तक इसी प्रकार से धूप से सुखाया जाएगा, तब इन फलियों से दाने अलग कर देंगे। बाकी छत से देखो क्या गजब के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं दूर दूर के। और ठीक सामने पे देखिए हमारे इष्ट श्री छत्र गंडियाल देवता जी का भव्य मंदिर भी दिखाई दे रहा है। बाकी ठीक पीछे गाँव के सेरे में अब कुछ लोग ना खेतों में हल भी लगाने लग गए हैं। ठीक ऊपर मामा जी हल लगा रहे हैं। मामा लग गया? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो। हेलो टुरागी ना होरी दुनी भाटे। अभी दोस्तों दादी के पास आ गए हैं और दादी अभी धूप पे आ गई है। दादी देखो ठीक तो नहीं है, ठीक तो नहीं है। हाँ दादी, दरअसल में परसों डंडा पानी में सीढ़ियों से गिर गई थी तो पाँव में चोट लगी हुई है यहाँ पे। हाँ
यहाँ पे बिल्कुल जो जांग है उसके ऊपर साइड। हाँ, तो दादी को अभी इस प्रकार से लाया गया कुर्सी के माध्यम से धूप में। तो ये सब देख के काफी बुरा लग रहा है। दादी जो इतनी तेज चलने फिरने वाली थी, आज के डेट में बिल्कुल कुर्सी के माध्यम से अंदर बाहर ले जाना पड़ रहा है। दादी आपको भी तो अच्छा नहीं लग रहा था, बढ़िया तो लगा। अब दादी मास्क करके घाम सकेगी। वैसे तो दादी को बाजार ले जा रहे थे हॉस्पिटल, पर नहीं जाना है, अड़ लगा रखी कि नहीं जाना है, दवाई खाएंगे पर बाजार नहीं जाएंगे। दरअसल दादी को उल्टी होती है ना गाड़ी पे बैठने में, इसीलिए ये डर है कि उल्टी होती है, रिंग होती है बोला। चलो क्या करना दादी, मैं बाजार आफत है। चलो कोई नहीं, दवाई तो ला रखी है वैसे, ठीक है। अच्छा जो यहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों सूजन आ रखी है पूरी, जो पानी था। चलो कोई नहीं, वेजाल ठीक, वेजाल तो क्या करें साहब, समय है, कभी बुरा रहता है कभी अच्छा रहता है। दादी की जांग के पास लगा हुआ है तो एक साइड का जो पाँव है वो हल्का भी नहीं लगा रखा जा रहा, क्या करें। अब इसके बाद दादी जो पहाड़ी औषधि है कहते हैं, क्या बोली, क्या बोली, यमरी, यमरी के जो तने होते हैं जो पहाड़ी जड़ी बूटी, उसको लगाने से ठीक हो जाता है। अच्छा, पहले उबालना पड़ता है। नॉर्मल दवाइयां तो अब आ रही है, पुराने लोग तो यही सब करके ठीक हुआ करते थे। चल तब आराम करें। अच्छा चल ठीक ठीक ठीक, बाकी चलो अब एक बार नाश्ता कर लेते हैं। आज भाई ने नाश्ता बनाया है तो एक बार मस्त करके इन खूबसूरत नज़ारों के साथ नाश्ते का आनंद लेते हैं। चलो भाई नाश्ता हो गया है, अब बाकी अब तैयार होके तैयारी है चकोन गांव में जाने की। वहां पे मेरे को ये कंडी लेके जानी है और वहां अपनी बाइक छोड़नी है और वहां से जिया जी की बाइक लेके आनी है। कल परसों में अपनी एक नई ट्रिप होने वाली है तो उसके लिए मेरे को गाड़ी लेके आनी है। बाकी ये कंडी और ये बैग चकोन का है और इसमें जो ये बैग है इसमें बाजार का सामान है, तो ये मार्केट मेरे को लेके जाना है। बाकी यहाँ पे दादी बैठी हुई है धूप में और दादी को देखने के लिए चाचा जी और जिया जी आ रखे हैं। ये ना ठीक हो, चलो ठीक तब, ठीक ठीक है दादी तब है। बाकी चलो अब निकल पड़ते हैं। बाकी इस बार ये जो ट्रिप है दोस्तों ये चारधाम यात्रा की होने वाली है, इस बार बुलावा आया है, नहीं तो कब से सोच रहे थे भाई चारधाम करने की, इस बार शायद सौभाग्य मिल जाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलो अब एक बार इस बैग को यहाँ दुकान में रख देते हैं, बाकी अब यहाँ से सीधा निकलते हैं चकोन गांव की ओर। चलो जी, चलो भाई अभी मैं दीदी लोगों के घर पे पहुंच गया हूँ। बाकी मेरे साथ है अभी अनुरोध यानी अपना भांजा और मस्त करके अपना खा रहा है, चलो गुजारा कर रहा है, खातू खातू खातू। बाकी भाई दिन के समय पे आजकल हर जगह बिल्कुल सुनसान सा माहौल है, सभी लोग लगे हैं अपने अपने कामों में, कुछ खेतों के कामों में लगे हैं, कुछ घास वगैरह काटने में लगे हुए हैं। यहाँ से भी दीदी लोग गए हुए हैं घास काटने के लिए, तो घर पे कोई नहीं है। तो अब यहाँ से गाड़ी की चाबी लेते हैं और निकलते हैं वापस। मेरे को चाबी दो, चलो। अच्छा ठीक है, पापा की गाड़ी चाबी है ना, अब ये मेरे पास रहेगी। करेंट लगा इससे? अच्छा चल ठीक है तब, हैं ठीक है तब, बाय। हाँ बाय। बाकी चलो भाई दोस्तों चाबी तो ले ली है, बाकी अब यहाँ से एक बार सीधा मार्केट की ओर निकलते हैं। सड़क पे पहुंच गए हैं, बाकी आगे का जो ट्रिप है ना वो इस गाड़ी पे होने वाली है, ये है जियाजी की होंडा साइन की, तो इसकी पहले मेरे को मार्केट जाके सर्विसिंग करानी है, फिर कल से अपनी ट्रिप शुरू हो जाएगी। बाकी पीछे बैकग्राउंड में देखो दीदी लोग गए हुए हैं इस धार में घास काटने के लिए। ये देखो ठीक ऊपर सासू जी हैं, इधर दीदी जी हैं और लगे हैं बिट्टे में घास काटने पे। चलो ठीक है तब, अब आर देर मत देर ने, ठीक तब काट आराम से। चलो जी अपने गांव में भी पहुंच गए हैं, बाकी अब फटाफट यहां से सामान उठाते हैं फिर मार्केट की ओर चलते हैं।
चलो भाई पहुंच गए हैं मार्केट में, और जो कद्दू लाए थे वो राणा भाई तोल रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक 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 करो करो। अभी दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं, बाकी ठीक सामने पे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है, बाकी अब इसकी धुलाई की जा रही है। बाकी दिन में कुछ खाया भी नहीं है, तो एक बार होटल पे चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। कि आज सुबह से मौसम बढ़िया था और दिन से ना दिन में मौसम ने करवट बदल दी। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अभी देखो बिल्कुल काले बादल घिर गए हैं आसमान में। चलो जी, अभी दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं, बाकी बाहर अंधेरा हो गया है। दिन भर गाड़ी काम है, थोड़ा बहुत और काम भी थे तो वो सब निपटाए, और इतने में अंधेरा कब हो गया बाहर पता भी नहीं चला। बाहर देखो भाई अंधेरा हो गया है, और अभी अभी मेरे को घर से भाई का फ़ोन आया, उनके लिए फ़ोन लेके जाना है, और फ़ोन यहाँ अभी अभी जस्ट पसंद किया। सोवन भाई के पास था, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया। चलो तो भाई के पास था iPhone 12, तो बातचीत चली अभी तक, तो डील फिक्स हो गई है, तो अब भाई के लिए iPhone 12 लेके जा रहे हैं। चलो भाई अब क्या पता हम भी थोड़ा बहुत iPhone से वीडियो बनाएं। बाकी भाई यहाँ से अब फटाफट मेरे को गांव निकलना पड़ेगा, बाहर ना अंधेरा हो गया है, तो फटाफट यहाँ का काम निपटाते हैं। बस बिल्कुल करो यार तुम बस। चलो ठीक है सोवन भाई, तब हैं अब पेमेंट की बात अब देख लेंगे 2-4 दिन बाद। अरे भाई साहब क्या चेहरा बना रहे हो यार तुम, मौसम देते हैं तुम्हें उदास नहीं करेंगे यार। चलो भाई दोस्तों अभी मैं घर पे भी पहुंच गया हूँ, बाकी घर आते आते काफी लेट हो गई है, बाहर पूरा अंधेरा हो गया है। बाकी अभी देखो भाई मेरे हाथों में आईफोन, पहली बार पकड़ रहा हूँ ना तो थोड़ा ये है भाई आईफोन, एप्पल नहीं दिख रहा। तो अबे अबे चल रहे यार छोड़ो, ये लो भाई साहब आपके अमानत, बहुत बहुत बधाई है आपको। बाकी चलो अब एक बार किचन की ओर चलते हैं, यहाँ पे माँ और पापा खाना खोना खाने लग गए हैं। बाकी अभी खाना पीना हो गया है, और कल की जो ट्रिप है उसकी तैयारी चल रही है, सामान सुमान पैक हो रहा है, और ठीक सामने देखो अपनी ही वीडियो चल रही है। यहाँ पे पापा जी बैठे हैं मस्त करके देख रहे हैं वीडियो, बाकी यहाँ पे पूरा सामान फैला हुआ है तो बैग पैक हो रहा है।